हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप अपने बालों को लंबा, काला, घना बनाना चाहते हैं, या फिर फ्रेंड्स अगर आपके बाल लंबे हो गए हैं लेकिन आपके बालों में बिल्कुल भी चमक नहीं है, आपके बाल बिल्कुल भी सॉफ्ट और मुलायम नहीं है, आप अपने बालों को सिल्की साइन स्मूथ बनाना चाहते हैं, या फिर आप अपने बालों को तेजी से घना बनाना चाहते हैं, तो एक बार इस रेमेडीज का जरूर यूज कीजिएगा। ये रेमेडीज फ्रेंड्स आपके बालों को लंबा करने के साथ साथ आपके बालों में चमक भी लाएगी और आपके बालों को सिल्की भी बना देगी। रेमेडीज बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और फ्रेंड्स, इस रेमेडीज को बनाने के लिए आपको तीन चीजों का यूज करना होगा। इन तीन चीजों से फ्रेंड्स आपके बाल इतनी तेजी से लंबे, काले, घने हो जाएंगे और सिल्की साइन स्मूथ हो जाएंगे, आपने फ्रेंड्स पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। फ्रेंड्स, आप अपने बालों को सिल्की और अपने बालों को स्मूथ करने के लिए रिबोंडिंग का यूज करते हो, जिससे कि फ्रेंड्स आपके बाल कुछ समय के लिए स्मूथ तो हो जाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स जैसे जैसे उसका असर आपके बालों से कम होता रहता है तो आपके बाल एकदम से बेजान, रफ और एक झाड़ू की तरह दिखाई देने लग जाते हैं। अगर आप अपने बालों को नेचुरल तरीके से सिल्की साइन स्मूथ बनाते हैं तो आपके बाल वो हमेशा परमानेंट रहेंगे और आपके बालों को किसी भी तरह की कोई हानि भी नहीं हो पाएगी। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपके बाल तेजी से बढ़ेंगे और आपके बाल तेजी से सुंदर भी हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज के इस नुस्खे को। इस वीडियो को बनाने के लिए आपको फ्रेंड्स सबसे पहले लेना होगा एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल फ्रेंड्स हमारे बालों को तेजी से सिल्की साइन स्मूथ बनाने का कार्य करता है, बालों में चमक लाता है, नए बालों को पैदा करने में सहायता करता है और हमारे बालों की यानी कि सर की समस्याओं को भी दूर करने का कार्य करता है, जैसे कि डैंड्रफ की समस्या, बालों की जड़ों में कीड़ा लग जाना, जिससे कि फ्रेंड्स हमारे सर गंजा होता चला जाता है। अगर आपको इस तरह की समस्या रहती है तो आपको फ्रेंड्स इस नुस्खे का जरूर यूज करना चाहिए। इसके लिए आपको फ्रेंड्स 2 चम्मच के लगभग एलोवेरा जेल इसमें ऐड करना होगा। इस तरह से आप 2 चम्मच एलोवेरा जेल ले लीजिएगा ताकि ये एलोवेरा जेल आपके पूरे बालों में अच्छे से लग जाए। अगर आपके बाल कम है तो फ्रेंड्स आप 1 चम्मच भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यूज करना होगा नारियल तेल का। नारियल तेल भी हमारे बालों को रफ होने से बचाता है, बालों में दोमुहेपन को दूर करता है, साथ ही साथ बालों की ग्रोथ को तेजी से बढ़ाने का कार्य करता है। आपको फ्रेंड्स इसमें लगभग 2 चम्मच के लगभग इसमें नारियल तेल को ऐड करना होगा। इस तरह से फ्रेंड्स आप इसमें 2 चम्मच नारियल तेल को ऐड कर दीजिएगा। इसके बाद आपको इसमें ऐड करने होंगे विटामिन ई कैप्सूल। आप इवोन कंपनी के 400 mg का 1 कैप्सूल इसमें ऐड कर लीजिएगा। इस तरह से फ्रेंड्स 1 कैप्सूल आप ले लीजिएगा और इसे कैंची की सहायता से काट कर इसमें ऐड कर दीजिएगा। फ्रेंड्स हमने इन तीनों चीजों को ले लिया है, अब फ्रेंड्स आपको इनको अच्छे से मिक्स कर लेना होगा। इस तरह से फ्रेंड्स आप इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। जब फ्रेंड्स ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो आपको इसे अपने बालों के ऊपर अप्लाई करना होगा। मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे लगाना है। अगर आप अपने बालों को सिल्की साइड स्मूथ या चमकदार बनाना चाहते हैं तो आप इसे अपने बालों के ऊपर अप्लाई कीजिएगा और बहुत ही अच्छे से लगाकर 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। या फिर फ्रेंड्स अगर आप अपने बालों की ग्रोथ को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए फ्रेंड्स आप इस नुस्खे को अपने बालों की जड़ों में भी यूज कीजिएगा। ऐसा करने से आपके बालों में जो कीड़ा लगा हुआ है, जिससे कि आप गंजेपन के शिकार होते जा रहे, वो समस्या दूर हो जाएगी। और फ्रेंड्स अगर आप इसे अपने बालों की जड़ों में लगाकर मसाज करते हैं तो इससे आपके फ्रेंड्स नए बाल आने में बहुत ही सहायता मिलेगी, क्योंकि ऐसा करने से आपके सर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिससे कि आपकी नसें अच्छे से कार्य करने लग पाती हैं
और उन्हें पोषण मिल जाता है, जिससे कि आपके तेजी से बालों की ग्रोथ बढ़ने लग जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर बालों की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं तो बालों की जड़ों में लगाइएगा, और अगर आप अपने बालों को सिल्की एंड स्मूथ बनाना चाहते हैं तो बालों के ऊपर भी अप्लाई कीजिएगा। आप चाहें तो फ्रेंड्स इसे बालों की जड़ों में और अपने बालों के ऊपर दोनों पर भी यूज कर सकते हैं। आप इस नुस्खे को फ्रेंड्स वीक में एक बार यूज करके देखें, और एक ही वीक में आपके बालों की ग्रोथ तेजी से बढ़ जाएगी और आपके बालों में चमक आ जाएगी, और आपके बाल एकदम से चमकदार और सुंदर भी दिखाई देने लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप इस नुस्खे को जरूर यूज कीजिएगा और इसके 100% रिजल्ट का फायदा उठाइएगा। तो ये थी आज की मेरी रेमेडीज। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।